वालेकुम व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का एकदम न्यू ब्लॉग। तो आपको बताता चलूँ कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज होकर जा रहा है एहसन। ये देखिए एहसन, पीछे देख, पीछे देख, तो ये रहा जा रहा है नाराज होके। तो आज है हम बना रहे हैं एक अच्छी सी रेसिपी, दुम्बा कढ़ाई। दुम्बा कढ़ाई कौन सी कढ़ाई, तो ये है उसकी रेसिपी। तैयार कर रहे हैं अभी इस वक्त, अभी सिर्फ मसाले भून रहे हैं। दुम्बे का गोश्त रखा हुआ है और कढ़ाई तैयार हो रही है। मैं और फैसल भाई बना रहे हैं। फैसल भाई की शक्ल नहीं आएगी क्योंकि फैसल भाई ने मना कर दिया है ना फैसल भाई। हाँ, तो आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा इंशाल्लाह इस व्लॉग में, आपको पूरा बताएंगे और इन्जॉयमेंट करवाएंगे। लगे रहो एंड तक, साथ देना आज एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो अभी इसमें मैंने डाली है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा धनिया, पिसा हुआ धनिया और हल्की सी अदरक, ठीक है, और लहसुन, ठीक है, अलग से थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैंने डाला है लाल मिर्चें थोड़ी सी, काली मिर्च, अबे ये टूट गया, ये हरी धनिया है, ये गरम मसाला है और ये हल्दी है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये नमक और ये लाल, ये जो हरी मिर्च है ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि एंड में डलेगी। दुम्बा कढ़ाई जो बनाते हैं हम वो इसलिए बनाते हैं और ये हमारा गोश्त रेडी है, गोश्त रेडी है। इंशाल्लाह अभी जब काफ़ी लोग ऐसे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ना टमाटर डालें और छोड़ देते हैं, मसाला डाल के छोड़ देते हैं। अच्छी जो रेसिपी बनती है ना वो मसाले से बनती है। आप मसाले को बहुत ज़्यादा भूनो, जितना हो सके उतना भूनो, जितना हो सके उतना भूनो, ठीक है, चाहे आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, मसाले को भूनेंगे ना तो वो जो मसाला होता है वो टेस्टी बनता है, ठीक है, और उसके अलावा वो कच्चा नहीं रहता है, जल्दी से हाजमा हो जाता है क्योंकि जो सारी चीज़ होती है मसाले की होती है। तकरीबन मैं इसको 45 मिनट से मसाले में बनाऊँगा, सारी खाली मसाला बनेगा। उसके बाद फिर 15 मिनट में गोश्त डाल दूँगा, तो वो प्रोसेस में आपको दिखाऊँगा। लगे बने रहना, कहीं जाना मत इंशाल्लाह। वेलकम बैक व्यूअर्स, तो अब ये तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 45 मिनट हो गए। इसका आप कलर भी चेक कर सकते हैं और अभी मैं इसमें डालूँगा गोश्त, जो है दुम्बे का गोश्त। दुम्बे की रेसिपी काफ़ी कम लोगों को बनाने आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो दुम्बे की रेसिपी है वो काफ़ी लोगों को कम बनाने आती है क्योंकि ये बड़ा दुम्बा है, ये गोश्त माशाल्लाह तो अच्छा लग रहा है। और अभी इसको हम मिक्सअप करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने से मतलब ये है कि आप इसको को थोड़ा सा चलाएंगे और ये थोड़ा सा पूरा पक जाएगा, फिर उसके बाद ढक देंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें, फिर आपको चेक करके बताएंगे क्योंकि हमारे पास जजेस मौजूद हैं। जजेस कौन है वो आपको साइड में बताऊँगा। शेफ मैं खुद बना हूँ आज, बैठे बैठे क्या करते हैं हम लोग, जो पूरी टीम होती है हमारी, टीम नहीं है फैमिली मेम्बर है सारे, तो हम क्या करते हैं जब फ्री होते हैं तो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और घूमने भी खुद जाते हैं, इन्जॉयमेंट भी खुद करते हैं। लेकिन जो शेफ है ना हमारा अंदर, शेफ अंदर बैठा हुआ है, मेन शेफ वो है मौजूद नहीं अभी, ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त ना हमारे पास मेन शेफ ये बैठा हुआ बेटा, जो जज है ना, जज मौजूद है, वो ये रहे जज। अब आप खिलाएंगे तो बताएंगे आपको कैसा सर, इंशाल्लाह टेस्ट आएगा, लेकिन कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट्स अच्छे आने चाहिए। आपको ऐसे देंगे, लाइव देंगे, कमेंट लाइव देंगे आपको, इस तरह पर्सनली देंगे हम आपको, लाइव कमेंट देंगे, लाइव कमेंट देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, वहीं पे देंगे बस, ठीक है, और गाड़ी में साथ देंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर व खैरियत से तैयार हो गई है, अब डिश तैयार है खाने के लिए। काफ़ी टाइम लगा
लेकिन दुम्बा कढ़ाई बन गई आखिर। ये देख पसीने भी आ रहे हैं बहुत सारे, क्या करें। तो इंशाल्लाह अब इसको, ये कढ़ाई बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अहमद खान भट्टी को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे भी करें सब्सक्राइब।